हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास एबीबी का डीसीएस है या और कोई भी डीसीएस है तो उसमें 2 वायर और 4 वायर के कनेक्शन कार्ड में कैसे हो रहे हैं, और उसके बाद थोड़ा सा उसका वायरिंग मतलब किस तरीके से, वो जो 2 वायर में कॉन्सेप्ट है 24 वोल्ट की सप्लाई का देने का, वो कार्ड से दी जाए या जो हमारे पास पावर सप्लाई लगती हैं उनसे दी जाए, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर हर बार की तरह रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस चैनल में आपको बहुत ही बेहतरीन से वीडियो मिल जाएंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन से बहुत ही अच्छे वीडियो मिलेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ और लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारी भी ग्रोथ हो और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हो और दूसरों की भी। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कि हम आपको ये बताने वाले हैं 2 वायर और 4 वायर। सबसे पहले तो हम आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहे हैं, 2 वायर और 4 वायर जिसको नहीं पता वो वहाँ जाके देख ले, और जिसको पता है उसके लिए थोड़ा सा ब्रीफ मैं कर देता हूँ कि 2 वायर और 4 वायर में क्या अंतर होता है। कि 2 वायर में ट्रांसमीटर और 4 वायर ट्रांसमीटर में ये अंतर होता है कि 2 वायर में हम एक वायर से सप्लाई देंगे और दूसरे वायर से उसका फीडबैक लेंगे कि वो लेवल अगर शो कर रहा है तो लेवल कितना आ रहा है, प्रेशर शो कर रहा है तो प्रेशर कितना आ रहा है, या टेम्परेचर शो कर रहा है, तो कोई भी 2 वायर डिवाइस हो सकती है, प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, पीएच किसी की भी। अब दोस्तों होता क्या है, 4 वायर में क्या होता है, सप्लाई अलग होती है और जो उधर से सिग्नल आ रहा था 4 to 20 mA का, जितना वो होना चाहिए वो अलग होता है, तो वो होता है 4 वायर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, हम आज जो खड़े हैं वो एक नोड है ये हमारा, इस नोड में AI कार्ड लगा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे AI 810 इज़ द एनालॉग इनपुट कार्ड ऑफ द ABB DCS। ये ABB DCS का एनालॉग कार्ड है। इसमें दोस्तों होता क्या है, नीचे हमारे टर्मिनल होती है TB, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे TB जो होती है, वहाँ पे TB में आप देखेंगे ये जो ऊपर TB है ये C है, ये B है जिसपे वायर लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको फेरुल में दिख भी रहा होगा B। इसके नीचे एक और है, वो है A, जैसा कि आप देख रहे होंगे उस पर कोई भी वायर नहीं लगा हुआ है। तो ABC होता क्या दोस्तों, हर DCS में या PLC में ये कॉन्फ़िगरेशन तीनों होते हैं। A जो होता है, A वो 24 वोल्ट निकालता है, ठीक है। B जो होता है वो प्लस का मिली एम्पियर होता है। C जो होता है वो 4 to 20 mA का जो निगेटिव पार्ट होता है वो होता है, ठीक है दोस्तों। अब हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमने 2 वायर कैसे किया और 4 वायर कैसे किया है, ठीक है। तो 2 वायर में हमको क्या करना होता है, बेसिकली नीचे जो A आ रहा है, नीचे A, देखिए 2 वायर में हमको 24 वोल्ट देनी पड़ती है तो हमें A में तार जोड़ना चाहिए, लेकिन आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो A पे तार जोड़ा नहीं है, तो हमने क्या किया है, चलिए इसके बैक पैनल पे इसका जो है मार्शलिंग कैबिनेट है, उस मार्शलिंग कैबिनेट में हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रखा है। तो यहाँ पे क्या है, वहां पे चलते फिर आपको बताते हैं, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रखा है कि हमने वहां से जो कार्ड नोड 2 का कार्ड था उसका टर्मिनेशन यहाँ पे आया है, जो एक तार लगा था B से, तो आप देखेंगे फेरुल में तो यहाँ B आपको दिखाएगा भी थोड़ा सा, तो ये B वाला पॉइंट है और ये जो रेड वायर है ये सप्लाई है 24 वोल्ट की, यानी जो वायर A से आना चाहिए था वो हमने अलग से 24 वोल्ट दे दिया। ये क्यों करते हैं दोस्तों, ये इसलिए करते हैं ताकि आपके DCS में कोई लोड ना आ जाए, या एक सबसे इम्पोर्टेंट, तो उससे भी इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्शन, कि अगर दोस्तों फील्ड में कुछ होता है तो वो आपके कार्ड में नहीं आएगा, और कार्ड में नहीं आएगा तो आपके सिस्टम को हार्म नहीं पहुंचाएगा। तो आप सिस्टम को आइसोलेट करना चाहते हैं तो आप 24 वोल्ट अपनी सप्लाई, हमने क्या किया अभी आपको दिखाएंगे, एक पैनल में 230 से 24 वोल्ट DC की सप्लाई की पावर सप्लाई लगा रखी, वहां से हमने ये सप्लाई ले ली है, वो सप्लाई हमने ऊपर दे दी A, जो हमारे कार्ड से आनी चाहिए थी। आप डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप कार्ड से लेना चाहो तो कार्ड से भी ये ये वायर आ सकता था A के नाम से, लेकिन वहां से नहीं आया, तो वहां से खाली आया B। B क्यों आया, क्योंकि फील्ड में जा रहा है 24 वोल्ट और वहां से ब्लू वायर से आ रहा है उसका सिग्नल, वो आ गया आपके इस B में और ये B चला गया आपके कार्ड में, इससे आपका सिग्नल क्या हो गया, रीड कर लिया गया है। तो ये था 2 वायर। 2 वायर की आप जो सप्लाई है वो आप या TV से भी दे सकते हैं पावर सप्लाई के द्वारा, या आप कार्ड से भी दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं किया गया। तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों सभी लोगों की, सर सप्लाई देनी कहाँ से है, वहाँ से क्यों दी है, अलग से क्यों दी है। तो ये आपके रीजंस थे जो मुझे लगता है आपको सेटिस्फाइड करेंगे। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो सिस्टम को प्रोटेक्ट करना।
ताकि हमारा जब सिस्टम ही आइसोलेट रहेगा फील्ड से, फील्ड में शॉर्ट भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे फ्यूज़ लगा है, फ्यूज़ उड़ जाएगा, पावर सप्लाई तक पहुँच सकता है दिक्कत, लेकिन हमारे कार तक नहीं पहुँचेगी। तो अब हम चलते हैं वापस फ्रंट में, ताकि आपको मैं और चीज़ आपको बताएं कि फोर वायर में क्या सिस्टम है। अब जैसे आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कार्ड, ये है फोर वायर, ये बी वाले टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे जिस पे बी लिखा हुआ है। इसके नीचे आप गौर से देखेंगे, थोड़ा मैं हटाऊंगा तो आपको ए वाले भी दिखने लगेंगे, ये देखिए ए फोर ए फाइव वाले। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये फोर वायर है। फोर वायर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारा 4 to 20 mA यहाँ पे आ रहा है, और इस को जो सप्लाई जा रही है 230 वोल्ट, फोर वायर में 230 वोल्ट जाती है, जो फोर वायर होते हैं तो वो 230 वोल्ट जाती है, वो अलग से हमने पावर सप्लाई जो हमारी पावर डीबी होती है वो पीडीबी के द्वारा हमने दे दी है। तो इसका मतलब है जब हमें 4 to 20 चाहिए होता है तो हमें दो तार कनेक्ट करने होते हैं, या और जब हमें टू वायर फोर वायर के कनेक्शन करने होते हैं तो टू वायर पूरे पूरे चाहिए होते कार्ड में, और अगर टू वायर होता है तो उसमें से एक तार भी चलेगा। एक तार अगर आपका 24 वोल्ट आप अलग से दे दो ठीक है, नहीं तो दोनों तार वहाँ भी चाहिए होते लेकिन वो वहाँ पर आपका सप्लाई पर लगा होता है। तो ये था दोस्तों AI की वायरिंग, टू वायर की और फोर वायर की। और AO में दोस्तों ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता, AO में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। ये मेरे सामने AO का कार्ड है, AO एनालॉग आउटपुट है, जो आप एनालॉग आउटपुट 4 to 20 mA की फॉर्म में देते हैं। तो सिंपल टू वायर होता है, 4 to 20 जैसे आपको स्पीड देनी है किसी भी पंप को तो वो दो वायर से जाएगी, और वो आपकी जो भी ए ड्राइव होगी, VFD ड्राइव होगी, उस VFD ड्राइव में जाके ये लग जाएगी जाके, और सिंपल सा कोई इसमें वो सप्लाई के चक्कर नहीं होता है। तो AO में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, AI में जो कन्फ्यूज़न होता है वो दोस्तों हमने आपको आज आपको बता दिया। तो मुझे लगता है दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, और इसके अलावा और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा हम DCS में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं उनकी वीडियोज़ हम धीरे धीरे आपको लाते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।